बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने कंटिन्यूस डिफ्यूजन बैटरीज वाला टॉपिक कवर किया था, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है रोटा सेल एक्सट्रैक्टर। ये आपको दो डायग्राम्स नज़र आ रही हैं रोटा सेल एक्सट्रैक्टर की। बेसिकली होता यह है कि इसमें कंपार्टमेंट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट में एक ही फीड ऊपर से दी जाती है। जिस तरह आपको पहले ये इस डायग्राम पे आ जाए, ऊपर से फीड दी जा रही है, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं। ये जो कंपार्टमेंट्स हैं ये रोटेट करते रहते हैं, इनकी कंटिन्यूस रोटेशन होती रहती है। कंटिन्यूस रोटेशन से क्या होता है, जब ये रोटेट करेगा नेक्स्ट कंपार्टमेंट में ये फीड चली जाएगी। ऊपर से हम ये सॉलिड फीड दे रहे हैं, सॉलिड लोडिंग जो लिखा हुआ है, सॉलिड फीड यहाँ से चली जाएगी कंपार्टमेंट में। जब ये कंपार्टमेंट आगे मूव करेगा तो फिर नेक्स्ट कंपार्टमेंट जो एम्प्टी कंपार्टमेंट होगा उसमें फीड मूव कर जाएगी। इसी तरह ये सारे कंपार्टमेंट्स में फीड जब फिल हो जाएगी उसके बाद आपको ये नीचे सॉल्वेंट पंप्स नज़र आ रहे हैं। ये जो सॉल्वेंट पंप्स हैं इनकी मदद से सॉल्वेंट को शावर किया जाता है। ये जो सॉलिड हमने डाला है कंपार्टमेंट्स पे फिल किया है, इनके ऊपर शावर किया जाता है। किस तरह से वो अभी आपको मैं इस वीडियो में पता चल जाएगा जी। तो ये वीडियो देख लें, इससे आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ये जो आ रही है ऊपर से फीड, ये एक टैंक नुमा सिलेंडर नुमा टैंक बना हुआ है, इसके अंदर फीड स्टोर होगी। स्टोर होने के बाद ये इसको रोटेटर की मदद से फीड के अंदर डाला। अब ये डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं, इनमें फीड फिल हो रही है। ऊपर से ये जो शावर हो रहा है येलो कलर की पाइप्स के थ्रू, सॉल्वेंट का शावर हो रहा है, ये रोटेट करता रहता है इसी तरह। ये देखें जिस तरह ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, और नीचे से यहाँ से एक होल होता है, ये मोटर इसको रोटेट कर रही है। ये होल की मदद से जो हमारा सॉल्वेंट बाकी बच गया एक्सट्रैक्शन के बाद वो नीचे वाले कंपार्टमेंट में आ जाता है। ये सीव लगी होती है, बाकी हर जगह से इसकी जो है ना रोटेशन क्लोज्ड होती है, सिर्फ एक जगह से ओपन होती है। इसके बाद ये आगे जो हम जिससे हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है वो बाकी आगे सेपरेट हो जाता है। ये ऊपर से दोबारा इसको शावरिंग करने के लिए लेके जा रहे हैं पंप्स की मदद से जी। तो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है जी रोटा सेल एक्सट्रैक्टर का। अब आ जाते हैं अपनी जो बुक में डायग्राम है उसके ऊपर, जिसमें दिखाया गया कि सॉल्वेंट यहाँ से फीड हो रही है, यहाँ से ये सॉल्वेंट फीड हो रही है, ठीक है। नीचे कंपार्टमेंट में कंपार्टमेंट ये रोटेट कर रहे हैं, कंटिन्यूस रोटेशन है। इसके बाद जब नेक्स्ट कंपार्टमेंट आता है तो उसमें ये फीड चली जाती है। अब कंपार्टमेंट के बाद नीचे एक वो सीव जो आपको बताया है जाली नुमा, जो हर बाकी हर साइड से क्लोज है, सिर्फ एक साइड से ओपन होती है, जिसकी मदद से बाकी जो वेस्ट सॉलिड है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट बास्केट टाइप एक्सट्रैक्टर के ऊपर। बास्केट टाइप एक्सट्रैक्टर जो है ये भी बेसिकली उसी एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ हो रहा है। होता यह है कि इसमें से आप देखें ऊपर से यहाँ से आप फीड इसके अंदर एंटर करते हैं। फीड एंटर जब आप करते हैं ये बास्केट नुमा बनी हुई है, ये बास्केट्स फिल होती हैं। फिल होने के बाद सबसे पहले ये कंटिन्यूस रोटेशन है, कन्वेयर बेल्ट की मदद से ये कंटिन्यूस रोटेट करती रहती है। इस तरह से इसकी रोटेशन चलती रहती है। यहाँ से हम इसको देते हैं सॉल्वेंट, ये कंटिन्यूस हम इसको सॉल्वेंट इसके ऊपर शावर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सॉलिड ऊपर से जो हम जिसमें से हमने कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी है उस सॉलिड को हम फीड कर रहे हैं इन बास्केट्स के ऊपर। बास्केट कंटिन्यूस रोटेशन पे है और यहाँ तक पे जब आते हैं तो ये इनके ऊपर शावर होता है सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट जब शावर होता है तो इसके बाद जब ये टॉप मोस्ट पोजिशन पर आते हैं तो ये एम्प्टी कर दी जाती हैं, ये खाली कर दी जाती हैं। इस डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरह से ऊपर से हम फीड डाल रहे हैं, शावर कर रहे हैं यहाँ से। अब ये जो शावर करते हैं तो जाहिर सी बात है बास्केट पहले ही फिल होती है, उसके अंदर शावर जब करते हैं तो उसके ऊपर से हमारा जो है ना मटेरियल एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। जिसकी चीज़ की हम एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं वो एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है।
ऊपर जब यहाँ पे जाती है, ये बाल्टी या बास्केट जो है वो एम्प्टी कर दी जाती है, खाली कर दी जाती है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट सॉलिड को एंटर कर दिया जाता है और उसके ऊपर शावरिंग की जाती है। अब जब यहाँ से जो हमारा प्रोडक्ट निकलता है वो होता है हाफ मिसेला। हाफ मिसेला यहाँ से डी पोजीशन पे जो होता है, क्यों? क्योंकि ये देखें, यहाँ पे हमने जब फीड एंटर की है तो जहर सी बात है यहाँ पे आके वो एम्प्टी हो गया है, मतलब कि यहाँ तक आके वो रुक गया है प्रोसेस। इसको दोबारा हम करके इसको कंप्लीट मिसाला में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे जब आता है ये, तो इसके ऊपर भी कंटिन्यूसली इसी हाफ मिसेला की शावरिंग करते हैं। हाँ, शावरिंग से क्या होता है, वो बास्केट जब फुल होती है उसकी एक्सट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है। सॉलिड में से जो चीज़ हम निकालना चाह रहे हैं वो एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है, उसके ऊपर टॉप पे आ जाती है। टॉप के बाद फिर यहाँ से हम इसको नीचे से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। टोटल एक्सट्रैक्शन, यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है वो फुल मिसेला होता है, या टोटल हमारा सॉल्वेंट जो है एक्सट्रैक्ट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं जी डॉर एजिटेटर के ऊपर। डॉर एजिटेटर का मतलब मिक्सचर होता है, मिक्सर होता है। इसमें होता है ये कि ऊपर से ये जो है ना फ्लैट सरफेस होती है, इसकी सरफेस फ्लैट मतलब सीधी सरफेस होती है, कोई राउंड या गोल नहीं होती। अब होता है इसमें ये है कि ऊपर से हम इसको कंप्रेस्ड एयर की मदद से जब एजिटेट करते हैं, मिक्स करते हैं, तो एक प्रॉपर मिक्सिंग होती है। जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। एजिटेटर बेसिकली मिक्सर ही कहलाता है, जो मिक्सिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये जो दो आर्म्स इसकी आपको नज़र आ रही हैं, एक आर्म ये है, एक आर्म ये है, दो आर्म्स इसमें लगी होती हैं। इसके थ्रू अब ये मैकेनिकली रोटेट भी कर रहा है और इसमें से एयर भी पास हो रही है, रोटेट भी कर रहा है और एयर भी इसमें से होल्स में से, थ्रू यहाँ पे होल्स होते हैं, होल्स में से एयर भी उस जो हमारे पार्टिकल्स मौजूद हैं उसको अपलिफ्ट कर रही हैं। तो ये प्रॉपर मिक्सिंग करता है, बहुत अच्छी मिक्सिंग के लिए, एजिटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी आप जो है ना इसको बुक से मज़ीद स्टडी कर लें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं आपका वेट करूँ, आप पूछें कमेंट्स में।